अपने की है। बिहार के क्वारंटीन सेंटर की आंखों देखी आपने, देख ली हालत क्या है वहां पर। अब आपको दिखाते हैं कि लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप का नया अवतार क्या है। तेज प्रताप अक्सर अपने अलग अलग रूप के लिए जाने जाते हैं और इस बार जब कोरोना का पूरे हाल चल रहा है, कोरोना की वजह से लोग त्रस्त हैं, ऐसे में तेज प्रताप का जो नया रूप सामने आया है उसे देखकर सब चौंक गए। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप राजनीति के लिए कम, अपने ऊट पटांग हरकतों के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। अक्सर लोगों के सामने अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन कोरोना काल में तेज प्रताप के रूप ने सबको चौंका दिया। भगवान कृष्ण के रूप में लालू के लाल, शिव शंभू के अवतार में तेज प्रताप, और अब कोरोना काल में पीपीई किट पहनकर विचरण कर रहे हैं लालू पुत्र। तेज प्रताप का यही वो अंदाज है, यही रंग है, यही रूप है, जिसके चलते वो आए दिन चर्चा में रहते हैं, सुर्खियां बटोरते हैं। मौका और माहौल के मुताबिक रूप बदलने में बहुत माहिर है तेज प्रताप। कभी शिव का रूप धारण कर लेते हैं तो कभी कृष्ण बनकर बांसुरी बजाने लगते हैं, लेकिन इस बार तो तेज प्रताप खुद पीपीई किट पहनकर प्रवासी मजदूरों के बीच पहुंच गए। पूरे लाव लश्कर के साथ पटना के जीरो माइल के जिला नियंत्रण कक्ष में तेज प्रताप ने अलग अलग राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों से हालचाल जाना। साथ ही तेज प्रताप और उनके समर्थकों ने प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की चीजें, मास्क और सैनिटाइजर बांटे। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने काफी देर मजदूरों से बात की, उनकी परेशानियों को जाना। इस दौरान उन्होंने मजदूरों को भरोसा दिया, कहा कि उनके पास पर्याप्त बसें हैं, इन बसों के जरिए वो सभी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाएंगे। ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप कोरोना संकट में इस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। वो बिहार के हर जिले में लालू रसोई चला रहे हैं, हर दिन हजारों गरीब और बेसहारा लोगों को खाना खिला रहे हैं। तेज प्रताप खुद रसोई घर का इंतजाम संभालते हैं, खाना चेक करते हैं और उसके बाद उसे जरूरतमंद लोगों के बीच बांटा जाता है। और वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखिए सुबह की 100 बड़ी खबरें 10 मिनट में।